Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 5, that is inside the atom. Students, इसमें आप देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है पूरा, तो आप देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे आंसर इसके दिए गए हैं. व्हाट इज मेड बाय मैटर, सो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. व्हाट इज एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन इट्स केमिकल आइडेंटिटी. तो आप यहाँ पे पूरा आंसर देख सकते हो इसका. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको जितने भी आंसर हैं बहुत ही स्लोली यहाँ पे स्लाइड करूँगी एक एक आंसर, ताकि आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकें. ठीक है, क्योंकि आप बोलते हो मिस पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब पे कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ, मुझे उसका आइडिया नहीं है. इसीलिए जब आप कोई वीडियो बोलते हो किसी भी चैप्टर का, तो मैं उसका फ़ोटो लेके फिर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ. उसका पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करना है वो मुझे पता नहीं है. ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो अपने क्वेश्चन आंसर. ये वीडियो पॉज कर करके आप लिख सकते हो, अपना वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हो, नो इश्यू. तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि जो फिलिंग के ब्लैंक्स है वो 17 to 27 है, काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे जस्ट डैश किया हुआ है, आपको आंसर बताना है. ठीक है, वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं विद आंसर. आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ से 1 से लेके 27 तक. ठीक है, तो जो आंसर है वो डायरेक्ट अंडरलाइन किया गया है. तो आपके बुक में, आपके वर्कबुक में क्वेश्चंस तो हैं ही, वैसे भी अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन देख सकते हो. बट अगर आप नहीं भी देखते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दिया गया है विद क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ आंसर दिया गया है. ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव सेकेंड का, नेगेटिव फर्स्ट का, ऐसे सीन में दिया गया, क्वेश्चन भी दिया गया उसके साथ आंसर है. तो आप यही देखिए यहाँ पर. ठीक है, पूरा आंसर यहीं पे देख लीजिए. फर्स्ट में आप देख सकते हो अंडरलाइन किया गया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दूसरे में नेगेटिव, थर्ड में के, यहाँ पे एम. तो आप देख सकते हो सारा आंसर. सिक्स्थ में है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स. ओके, यहाँ पे आंसर सारे देख सकते हो आप सबका. उसके बाद यहाँ पे आइए 11th का देख सकते हैं आप. सारे आंसर आप देख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन देखिए, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस. ये भी आपका क्या है, ये भी यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स ही है. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 4, तो देखिए यहाँ पे इसके आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं. जैसे अगर मैं बताऊँ इसमें, तो ये वाला राइट है एटॉमिक मास नंबर. उसके बाद सारे क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, देखिए सेकंड में, यहाँ पे देखिए सेकंड का आंसर है सी वाला, न्यूट्रॉन्स. ओके, सेकेंड का यहाँ पे ये राइट है. थर्ड में 12 राइट है. तो इस तरीके से मैं आपको अगर एक एक बताऊँगी तो टाइम जाएगा. आप सीधा आंसर यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है, आंसर सबके यहाँ पे दिए गए हैं. वर्कबुक में देखेंगे आप तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के साथ में जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को डायरेक्ट अंडरलाइन करके दे दिया गया है आंसर. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4th में इलेक्ट्रॉन्स है, 5th में कनाद, 6th में 18. ओके, आप यहाँ से भी देख सकते हो 5th का कनाद है. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आंसर दिया गया, तो आप यहीं से डायरेक्टली देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी तो दिया है ना, डायरेक्ट आंसर तो दिया नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसीलिए वो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ पे आंसर से डायरेक्ट देख लीजिए. यार
तो ऐसा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आंसर साथ में देखोगे तो ही समझ में आएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में आंसर दिया गया है, तो आंसर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर ही है, तो क्वेश्चन भी है उसके साथ में, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे समझ सकते हो, कुछ भी टफ़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन के साथ में ही आंसर दिया गया है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रू और फॉल्स का यहाँ पे दिया गया है। सो देखिए दिया गया है, एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल, तो ये क्या है? ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, सेकेंड द मास ऑफ एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली विद इन इट, ये फॉल्स है। थर्ड वाला, द इलेक्ट्रॉन हैज़ द सेम मास एज दैट ऑफ द प्रोटॉन, ये क्या? ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन देख रहे हो, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ये सारे आपके, और इसके जो आंसर्स है ट्रू फॉल्स के यहाँ पे देखिए है, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, सिक्स ट्रू, सेवन ट्रू, एट ट्रू फॉल्स, तो आप इसका यहाँ पे ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का। ओके, 21 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, इस तरीके से आप जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे उसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इसके आंसर्स जो हैं यहाँ पे उसका आप फटाफट आंसर लिख सकते हो, आपके वर्कबुक में ये सारे होंगे ही, तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, के टू के रेशो टू रेशो एम, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा 18। सेकेंड में देखिए क्या आंसर है, 27। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है, आप वही आंसर देख लीजिए इसका, यहाँ पे दिख भी रहा है सबका, दोनों का साथ में क्वेश्चन आंसर साथ में दिख रहा है, आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए। मैच द कॉलम में देखिए, ये आपको मैच करना से प्रोटॉन के साथ में क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ में आएगा, ये हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है ये, और न्यूट्रॉन क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ये सिंपल है, ये आपने सेवंथ में भी पढ़ा है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, आप देख सकते हो किसने किसको डिस्कवर किया है, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का किया है। ठीक है, और रदरफोर्ड ने क्या किया है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया है, चैडविक ने न्यूट्रॉन का किया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा ब्लर है ये, बट आई होप कि आपको स्पेलिंग दिखाई दे रही होगी। द न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज इन जनरल इन एन एटम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश दिया गया, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को, यहाँ पे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में है। ठीक है, तो देखिए सबका और लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, थोड़ा सा ब्लर है वो, फ़ोटो निकालने में आई थिंक अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको उसे रीड करके बता दिया ताकि आप लिख सको अच्छे से। स्टूडेंट्स चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल तो है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट यूनिट के लिए ये लेसन इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो। और कोई आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ पे है, वन सेंटेंस का ही सिर्फ आंसर है। ठीक है,
सारे ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इन वन सेंटेंस आंसर है ये सारे, तो इजी है, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है तो सबका क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये जो आपका दिया गया है उसका आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया गया है, आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस होते हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव होते हैं, और ये जो आपका यहाँ पे ये देख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, एक एटम में ये दोनों चीज़ें देखने को भी मिलती हैं, तो यहाँ पे उसका दिया गया एक्सप्लेनेशन, ये एक्टिविटी जो है यूज ऑफ ब्रेन पावर यहाँ पे आंसर दिया गया है, वो देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे है थोड़ा सा, और एक दो लाइन यहाँ पे है देख सकते हैं। उसके बाद वापस से कैन यू टेल वाले जो क्वेश्चन आपको बीच बीच में पूछा जाता है लेसन के, वो यहाँ पे सब दिया गया, आप देख सकते हो सबका, ये एक्सपेरिमेंट है और ये आपको स्कूल में कराया जाएगा और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं तो आपको तभी इजी लगेगा, अदरवाइज़ ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी मैथमेटिकल हैं, और इसे अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको ये समझने में हेल्पफुल होगा क्वेश्चन आंसर लर्न करने में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये हेल्प करवा रही हूँ कि आप इसे देख के वर्कबुक अपना कंप्लीट कर लीजिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट्स, और अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे देखिए 11th वाला क्वेश्चन यहाँ पे है और उसका आंसर यहाँ पे है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो फिर आप बोलने लगते हो कि कितना बड़ा वीडियो बन जाता है, इसके लिए यहाँ पे मैं जस्ट आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर शो कर रही हूँ, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आंसर इसमें ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं फटाफट सिर्फ आपको शो कर रही हूँ ताकि आप फिर से लिख सको, अपना वर्कबुक कंप्लीट कर सको, और समझना तो आपको डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप उसे फिल कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें, इसका आंसर है 15 का आंसर ये रहा, 16 का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन नील्स बोहर्स एटमिक मॉडल, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटमिक मॉडल, सो यहाँ पे आंसर 4 पॉइंट्स में दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एटीन का आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूरा उसको डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है, आप देख सकते हो।
नेक्स्ट डिफाइन द टर्म्स एटम, एटमिक नंबर, एटमिक मास नंबर. तो यहाँ पे देखिए सारे जितने भी हैं यहाँ पे सब डिटेल में आपको तीन तीन चार चार लाइन में यहाँ पे बताया गया है. नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन एटम. यूजर ब्रेन पावर, ये आपका जो पेज नंबर 32 का है उसका आंसर है. 21 में देखिए यूजर ब्रेन पावर वापस ये क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर है यहाँ पे 22 का वापस से. बहुत सारे इसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो दिए गए हैं उसके सब आंसर यहाँ पे दिए गए हैं. ट्वेंटी फिफ्थ का यहाँ पे देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 27, 28 यहाँ पे दिया गया है. थर्टी, 31 एंड 32 यूज योर ब्रेन पावर, इसका भी देखिए यहाँ पे दिया गया है. सेकेंड पॉइंट का यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे है. राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स. ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको और इस तरीके से भी. यहाँ पे इसका आंसर है. यहाँ पे आपको बताना भी है इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे. और यहाँ पे और देख सकते हैं 35, 36 इसके क्वेश्चन के आंसर. कैन यू टेल वाले क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको बीच बीच में, उसके सब आंसर यहाँ पे. यहाँ पे देखिए राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, उसका यहाँ पे है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर. तो सबका यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका सिम्बॉल क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर इन द एटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल सिंबल, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरा दिया गया है. ये आपको पूरा लर्न करना है. 39 वाला देखिए यहाँ पे फॉलोइंग जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है वो यहाँ पे है. ये पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है. साइड में आप ये 42, 43 का भी देख सकते हैं. यहाँ पे 40 का यहाँ पे देखिए ये दिया गया पूरा. ये आपको बनाने भी आना चाहिए पूरा डायग्राम. यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम. तो ये पूरा ये डायग्राम आपको आना चाहिए. बहुत ही सिंपल है ये. नेक्स्ट यहाँ पे 42 का देख सकते हैं. ये किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्रामेटिक स्केच है आप देख सकते हो यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देख सकते हो ये सब. ये सारे आंसर यहाँ पे देख सकते हो. बहुत ही शॉर्ट आंसर हैं सबके, इजी हैं. क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको बहुत सारे दिए गए हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है. सारे के सारे आप लर्न नहीं कर सकते तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. 49 के यहाँ पे देखिए जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ये सब यहाँ पे है.
50 का है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर 50 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, 51 का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, 52 का यहाँ पे पूरा टेबल देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिफ्टी थ्री का यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग आंसर यहाँ पे है, 54 का आप देख सकते हैं यहाँ पे, 55, 56 क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो 56 में आप देखिए कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 6 पॉइंट्स हैं, 7 है डिफाइन मॉडरेटर उसका है ये, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, देख सकते हैं ये, उसके बाद ऊपर देखिए ये यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका ये पॉइंट वन है, और पॉइंट टू यहाँ पे दिया गया है ऊपर में, पॉइंट टू वेन यूरेनियम, अब इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, और ये इसका आप देख सकते हैं यूरेनियम जो ये डिसइंटीग्रेशन है उसका, ये आप देख सकते हो ये डायग्राम, और ये सेकेंड वाले का आंसर ये सिर्फ इतना सा नहीं है, यहाँ पे भी है नीचे आप देख सकते हो, गिव साइंटिफिक रीज़न ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज दिया गया है, 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप देख सकते हो वैसे 5 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, थर्ड आप देख सकते हो एटमिक मास नंबर इज़ अ होल नंबर, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एटम्स आर स्टेबल, ये देख सकते हैं फोर्थ का आंसर यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे फिफ्थ वाला आंसर काफ़ी बड़ा है, तो आप देख सकते हो, ओके अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ वाला देखिए, टू इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एटम आर प्लेस्ड इन ओनली, तो ये आंसर इसका देखिए यहाँ पे है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड पॉइंट दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, ओके आगे देखते हैं, अभी कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको कंप्लीट करना है आपकी बुक में, इस तरीके से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया है, पूरा कंप्लीट किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसे, ओके और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंप्लीट द टेबल नीचे वाला, ये भी कंप्लीट करना है आपको, थर्ड वाला भी देखिए इस तरीके से टेबल ही कंप्लीट करना है, और इसका ये इतना सा नहीं है, नीचे भी और है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा इसका फोर्थ का, यहाँ पे देखिए ये फोर्थ का है आप देख सकते हो इसे, उसके बाद यहाँ पे देखिए इन टेबल फोर कॉलम, यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, और इसका आंसर यहाँ पे है फिफ्थ का, ये कंप्लीट द टेबल इसका ये दिया हुआ है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे बाकी है प्रोजेक्ट वर्क जो आपका यहाँ पे दिया गया है, और मेमोरी यानी मन कॉन्सेप्ट मैप जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, ये आपको फिलअप करना है, आप अपने बुक में देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दी नहीं दी होंगी, तो इसमें से देख देख के आपको फिलअप करना है, क्या बाकी है करना वो आपको देख के करना है। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में देखिए, ये यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ पे चेन मतलब ये पूरा दिया गया है, आप देख सकते हो इसको, ओके सो यहाँ पे हमारा फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे सिक्स्थ चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।